नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुबह हो गई है, हमने ब्रश कर लिया है, नहा लिया है और मंदिर आ चुके हैं। अब हम अपने दोस्तों से मिलेंगे और आपको भोले बाबा के दर्शन कराएंगे। और दोस्तों, आज हम आपको सुबह से ही बताना चाहते हैं, आज हम आपको एक ऐसी मूर्ति के दर्शन कराएंगे महाराजा छत्रसाल की, जो हमारे छतरपुर 52 फीट की मूर्ति है। हम चलेंगे वहाँ पर और आपको बहुत ही सुंदर महाराजा छत्रसाल की 52 फीट की मूर्ति दिखलाएंगे। हेमंत की तरफ से 15 अगस्त में बुनी रहेगी और फूफा जी सबको चाट खिलाएंगे। और सचिन जी आए हैं, वो भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो छिपते हुए पेड़ा एक किलो। ये तो सोने की सागर से 60 रुपए वाली चलो 60 रुपए कुर्बान हुए। उड़ गई है टटहरी। नमस्कार दोस्तों, सामने जो पक्षी आप देख रहे हैं उसको टटहरी बोलते हैं, टटहटी बोलते हैं, इसलिए इसको टटहरी बोलते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है जितने अंडे टटहरी देती है उतने ही महीने बारिश होती है। मतलब अगर टटहरी ने 4 अंडे दिए हैं तो 4 महीने बारिश होती है। आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। सुबह सुबह से ऐसा दृश्य है, गौ माता अपनी बछड़ी को दूध पिला रही हैं। बहुत ही शुभ दृश्य होता है ऐसा। नमस्कार दोस्तों, हम निकल चुके हैं आप सभी को सौर पीठ के दर्शन कराने, जहां पर 52 फीट की महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा विराजमान है। तो चलते हैं, क्या मज़ा आ रहा है। सुबह का मौसम है, ठंडक है, हम 2-व्हीलर से जा रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सौर पीठ स्मारक पर। आप देख सकते हैं 52 फीट की विशाल प्रतिमा हमको सामने दिखाई दे रही है। महाराजा छत्रसाल घोड़े पर विराजमान है, हाथ में तलवार लिए हुए हैं, दूसरे हाथ से घोड़े की चाबुक पकड़े हुए हैं। हम ऊपर की ओर सीढ़ी से चढ़ते हैं और आपको मूर्ति के दर्शन कराते हैं। दोस्तों यह मूर्ति का अनावरण माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, परम पूज्य सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा इस मूर्ति का अनावरण 21 मार्च 2018 को किया गया। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है चारों तरफ, कितनी शांति, कितना शांत वातावरण, कितना अच्छा लग रहा है हमको यह दृश्य देखते हुए। हम देखते हैं कि इस मूर्ति के पास बहुत सी सुंदर, कितना अच्छा पार्क बना हुआ है। मुझे तो बहुत शांति महसूस हो रही है यहाँ पर आने पर। यह पहाड़ी जो पेड़ों से भरी हुई है और ठीक बीचों बीच महाराजा छत्रसाल घोड़े पर विराजमान है। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, यह 52 फीट की मूर्ति इसलिए यहाँ पर स्थापित की गई है, एक इसके लिए यह भी है कि महाराजा छत्रसाल ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, जिसमें 52 के 52 महाराजा छत्रसाल द्वारा युद्ध जीते गए। इसी कारण यह 52 का शब्द लिया गया और 52 फीट की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई और सौर स्मारक इसको नाम दिया गया। देखिए कितनी अद्भुत विशाल मूर्ति, महाराज छत्रसाल घोड़े पर विराजमान, अपनी तलवार आकाश में लिए हुए, आकाश फाड़ती हुई तलवार, क्या घोड़ा जिसका नाम भले भाई है, क्या उसकी टाप, आप देख सकते हैं घोड़े की टाप कितनी, ये लोहे की यह जंजीर लोहे की पहने हुए है,
आप सामने से यह मूर्ति देख सकते हैं, भगवान ध्वज लहराता हुआ मूर्ति के बगल में, और दूसरा ध्वज भी भगवान लहराता मूर्ति के बगल में। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, लगता है साक्षात छत्रसाल महाराज घोड़े पर विराजमान है। आप उनका चेहरा भी आपको दिखाई दे रहा है, भले भाई घोड़े पर विराजमान है महाराजा छत्रसाल। कितनी अच्छा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि साक्षात छत्रसाल महाराज ही विराजे हों और बोल रहे हों और आगे बढ़ रहा हो घोड़ा। शायद मैं, मुझको तो ऐसा लग रहा है मैं जहाँ पर खड़ा हूँ कि घोड़ा तो मुझको नाकने ही वाला है। आकाश चूमती तलवार महाराजा छत्रसाल की, और क्या दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है। क्या भगवान ध्वज लहराते हुए महाराजा छत्रसाल ने अपने जीवन में हमेशा भगवा ही लहराया है। देखिए भले भाई पर महाराजा छत्रसाल विराजमान है और भगवा ध्वज लहरा रहा है। दोस्तों आप जब भी छतरपुर आएँ तो यह हाईवे पर ही, रोड पर ही यह स्थान है सौर स्मारक। क्या सुंदर सीढ़ियां हैं, क्या पहाड़ी है, और बीचों बीच महाराजा छत्रसाल घोड़े पर विराजमान है। हम आपको पीछे की तरफ आपको ले चलते हैं, कितनी सुंदर मूर्ति लग रही है, कितनी लंबी पूंछ है और तलवार भी हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है, घोड़े का पीछे का दृश्य। और पीछे की तरफ महाराजा छत्रसाल हमको ढाल भी दिखाई दे रही है, और घोड़े की टाप, कितनी विशाल टाप लग रही है, कितनी मजबूत मूर्ति जो इतिहास निर्माण करेगी। दोस्तों क्या हमको छाप छोड़ी है महाराजा छत्रसाल ने इस बुंदेलखंड में। आप यह मयान देख सकते हैं, एक बार में तो यह कैमरे में आ नहीं रही है। आप इतनी लंबी पूंछ, पैर पीछे के भले भाई के। दोस्तों आपको एक और मैं परिचय करा रहा हूँ, डॉक्टर पवन तिवारी भाई साहब, पवन जी भाई साहब छतरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग प्रचारक इस नाते दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं, और उनकी विशेष मेहनत का परिणाम आप सामने देख रहे हैं, 52 फीट की मूर्ति। दोस्तों आप जब भी छतरपुर आएँ तो यह सौर स्मारक देखने जरूर आएँ। यह छतरपुर से मात्र 16 किलोमीटर दूरी पर मेन हाईवे पर स्थित है। मज़ा आ गया तो मुझको यह मूर्ति के दर्शन करते हुए। दोस्तों अब हमको देरी हो रही है, अब हमको छतरपुर लौटना है। दोस्तों अब हम छतरपुर की ओर चलते हैं, आप बने रहिए इस ब्लॉक में, गौरव पांडे ब्लॉक्स। अगर आपने इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।